एक्सरसाइज 8.3 आरएस, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू आरएस अग्रवाल, टुडेज डेट इज 2011. द क्वेश्चन इज 2m प्लस 5 इट्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10. एक ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है. So now, if you see this question in a proper way, you will get that there is a value written here which is written in the form of upon 2m plus 3, 2m plus 5 upon 3. So, सबसे पहले बेटा अगर आपको इस क्वेश्चन को कहीं भी कुछ भी सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम आपको इस 3 के साथ हटाना, इस 3 को हटाना पड़ेगा. क्यों इस 3 को हटाना पड़ेगा? बिकॉज जब तक आप उस 3 को नहीं हटाओगे तब तक आगे की कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकती, ठीक है. क्योंकि ये इस पूरे होल के अपॉन में है, ये अकेले 5 के अपॉन में नहीं है, ये पूरे होल के अपॉन में है. तो इट मींस फर्स्ट यू हैव टू रिमूव दिस. सो इफ यू आर रिमूविंग दिस, सो यू विल, यू आर नोइंग दैट इट इज इन डिविजन, सो इट विल गो दैट साइड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो ये हो जाएगा, ठीक है. अब देखो यहां पर गलती स्टार्ट होती है. गलती क्या से स्टार्ट होती है? यहां पर आपको ये याद रखना है कि जब ये यहां से उठ करके उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में तो जा रहा है बट किसी एक सम के मल्टीप्लीकेशन में नहीं जा रहा है. इट विल गो इन होल नंबर विथ मल्टीप्लीकेशन. तो इसमें सबसे पहला काम आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है. इफ यू विल नॉट पुट द ब्रैकेट यू विल ओनली मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है. यू विल ओनली मल्टीप्लाई विथ 3 और वहीं पर आपकी प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगी. सो रिमेंबर दिस स्टेप शुड हैव ब्रैकेट फर्स्ट इन दिस वन, ठीक है. नाउ यू विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन इजी. लुक एट योर, दिस इज 2m, this is first 5 only, 3 3s are 9m, 3 10s are 30. kal hum log isko already discuss kar chuke hain. ab ye aur easy ban gaya. yahan pe 2m hai, 9m idhar aayega to ho jayega minus 9m, minus 30 yahan par pehle se tha usko waise hi rehne do. this is plus 5 yahan jayega to minus 5, theek hai. it will give us minus 35, this will give us minus 7m. ये माइनस और ये माइनस कर दो पहले से कैंसिल बिकॉज बोथ द साइड इट हैज. m इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 विच विल गिव अस 5 ओनली. नाउ दिस क्वेश्चन वॉज नॉट सो टफ, ओनली दिस डिविजन 3 वॉज मेकिंग इट टफ, ठीक है. दिस डिविजन 3 वॉज मेकिंग इट टफ, अदर रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर एब्सोल्यूटली सेम एज अर्लियर. एनी वन हैज डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन? Anyone has difficulty in this question? Please let me know. Ma'am, but this question is given in RS Agrawal exercise 7A. 7A? मैंने कौन सी ओपन करी है? अच्छा हाँ, ऊपर मैंने हेडिंग नहीं देखी. सॉरी 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 सॉरी. विल यू टेल मी क्वेश्चन राहुल जो तुम बोल रहे थे बेटा? मैम आई हैव रिटन इन चैट बॉक्स. एक मिनट देखें जरा. अभी पहले आई वॉज टेकिंग योर नेम. नो, क्वेश्चन नंबर 8, 10 and 14. इट विल, इट इज फ्रॉम विच एक्सरसाइज? मैम दिस एक्सरसाइज ओनली, एक्सरसाइज 7A. एक्सरसाइज 7A से 8. हाँ एक मिनट, कल हम लोग आरडी कर रहे थे लगता है, हमको एक्सरसाइज 8 दिया था उसमें आरडी कर रहे थे. आई बिलीव, आई डोंट नो विच बुक वी वर डूइंग बट वी वर डूइंग ऑल द क्वेश्चंस विच वर इम्पोर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया? हाँ गॉट इट, हाँ आई हैव गॉट इट. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम इट. लेट मी चेंज द नेम ऑफ इट. हाँ ना, क्या है एक्सरसाइज 7A है ना ये? यस 7A, आर एस का 7A, ठीक है. कोई बात नहीं, आपकी क्लास का सेक्शन है देखो 7A, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 8 वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड बाय राहुल. इट वाज 1/2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2x. दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है. तो इफ दिस इज द क्वेश्चन गिवन, ओ सॉरी इसको तो चेंज ही नहीं हुआ. हाँ 1/2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2x. सबसे पहला काम x x को एक तरफ ले लो और नंबर नंबर को एक तरफ, तो इट विल बी गिविंग यू 1x का मतलब x अपॉन 2 ही होता है, ठीक है.
यहाँ पर x अपॉन टू ही है ना, दोनों तरफ टू ही है, नहीं थ्री है, एक तरफ थ्री है, हाँ दिस इज थ्री. सो इट इज रिटन हियर इन द फॉर्म ऑफ प्लस, इसको यहाँ लेकर आ जाओगे तो ये हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ माइनस. ठीक है, तो दे यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर आया तो ये माइनस हो गया. इक्वल टू फाइव, यहाँ पर पहले से था, फाइव को कुछ भी नहीं करेंगे, फाइव लेट इट बी लाइक दैट ओनली. दिस वॉज माइनस थ्री, इट विल गो दैट साइड इन प्लस थ्री. ठीक है, इट विल गो दैट साइड इन प्लस थ्री. सो नाउ दिस स्टेप इज अंडरस्टूड और नॉट फॉर एवरी वन? एनीवन हैज कंफ्यूजन? ओके चलो. तो अब फाइव और थ्री मिला करके तो बेटा हो गया एट. और अब ये देखो, ये वाला काम हो गया फ्रैक्शन से रिलेटेड. दिस इज रिलेटेड टू अ फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है? विदाउट एलसीएम तो सॉल्व होगा नहीं. तो टू एंड थ्री का एलसीएम विल बी टेकन एज सिक्स. नाउ नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई का प्रोसेस. टू डिवाइड टू, यहाँ पे लोगे आप टू और सिक्स को जब डिवाइड करोगे विल गेट इट थ्री. थ्री से ऊपर मल्टीप्लाई होगा एक्स का, तो इट विल गिव यू थ्री एक्स. Now you have minus, to minus will remain like that only. The same process नीचे divide. So यहाँ पर जब आप divide करोगे you will get it 2. 2 से ऊपर multiply होगा तो it will give you 2x. Fine. Now 3x में से 2x minus होगा तो you will get it only 1x. या तो आप direct लिख सकते हो x upon 6 is equal to 8. And now this is in the form of division. It will go that side 8 into 6 which will give us 48. So value of x is equal to 48. Rahul, I have explained it. Yes, now you tell me whether understood or not. Ma'am understood. Okay, understood. Very good. Fine. Anyone has any difficulty in this question or should I move ahead? Chalo. No ma'am, beta, no ek... doubt. Okay, thank you. तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप क्वेश्चंस खुद से नहीं करोगे आपको नहीं बनेंगे. जब तक आप क्वेश्चंस ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं बनेगा. ठीक है, सो आपको याद रखना है कि आपको खुद से क्वेश्चंस करने हैं. दिस इज एक्स अनन्या, दिस इज एक्स नॉट आई. ठीक है, सो रिमेम्बर दिस क्वेश्चंस विच इज गिवन इन आर एस अग्रवाल, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको नहीं बनेंगे. दिखने में सब इजी लगता है बिकॉज उस समय देख हम लोग सॉल्यूशन को देख रहे होते हैं. जब तक हम करते नहीं है तब तक हमें समझ नहीं आता बेटा. ठीक है, सो दिस इज डन. नाउ आई टेक अप अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन सेज, ये भी हम लोगों ने कल पैटर्न कर चुका है. इफ यू रिमेम्बर आई हैव टोल्ड यू दिस काइंड ऑफ पैटर्न यस्टरडे ओनली. एक और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 2x minus 5. राहुल आप मैच करना, आप कहाँ पे गलती किए. रिमेंबर दिस क्वेश्चन विल हैव वन कंफ्यूजन पॉइंट ओनली विच आई बिलीव, मुझे लगता है तुमने प्रॉब्लम किया होगा यहीं पर. ऑलवेज रिमेंबर ब्रैकेट ओपन करते समय अगर आपने गलती की तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग होगा. तो ब्रैकेट ओपन एकदम सही तरीके से करना है. ठीक है, सबसे पहला काम 3x, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल बाहर लिखा हुआ है प्लस. अब ये 2 इस ब्रैकेट के बगल में, पहला स्टेप होता है अकॉर्डिंग टू बॉडमास कि हमारा ब्रैकेट सॉल्व होता है. और ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये पूरा अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा. तो इट विल गिव यू 2 से x का मल्टीप्लाई, इट विल गिव यू 2x प्लस 2 से 2 का मल्टीप्लाई विच विल गिव यू 4 बिकॉज यू आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सॉल्व इट द ब्रैकेट. सो इट विल गिव यू 2 से x 2x, 2 से 2 4 प्लस का प्लस. ठीक है, दिस स्टेप इज सॉल्व. नाउ 20 माइनस को वैसे रहने दीजिए अभी पहले. अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर माइनस वन है. और अगर आप माइनस वन भी ना लेना चाहो तो इट इज माइनस. और आपको याद होगा जब हमने एलजेब्रा पढ़ा था, व्हेन वी डिड एलजेब्रा इन दैट चैप्टर आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन यू हैव द साइन ऑफ माइनस आउटसाइड द ब्रैकेट, या आपको याद हो या ना याद हो, आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन दैट इफ यू हैव ब्रैकेट एंड इफ यू हैव आउटसाइड द साइन ऑफ माइनस, इनसाइड वाले सारे साइन विल बिकम चेंज. डू यू रिमेम्बर दिस स्टेप व्हाट वाज टॉट बाय मी? यस मैम. ठीक है, इनसाइड, यस इनसाइड, हाँ इनसाइड एवरीथिंग विल बिकम चेंज. सो आई नो दिस स्टेप वाज ओनली मिस्टेकन बाय यू, अदरवाइज एवरीथिंग यू वुड हैव डन इट करेक्ट. आई नो, क्योंकि यहीं पर गलती होगी. नाउ लुक एट योर, ये 2x प्लस में था, यहाँ जाकर हो जाएगा माइनस में. ये माइनस में 5 था, यहाँ पर आकर हो गया प्लस. साइन विल रिमेन चेंज. ठीक है,
ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा प्लस फाइव। अब बचा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये 3x और 2x मिलाकर हो गया 5x प्लस 4, ऐसे ही रहने दीजिए। ये 20 और ये 5 मिलाकर हो गया 25 और यहाँ पर है माइनस 2x, इसको भी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू दिस स्टेप, यू नो दैट कि यू हैव टू जस्ट शिफ्ट xx वन साइड, नंबर नंबर वन साइड, सो इट विल गिव यू 5x, ये माइनस 2x इधर आ जाएगा तो प्लस 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, 25 यहीं पे था, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो इट विल गिव यू माइनस 4, इट विल गिव अस हियर 21, दिस इज 7x, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7 विच विल गिव अस 3। आई होप इज इट अंडरस्टूड, दिस क्वेश्चन वॉज ओनली, यस, इस क्वेश्चन में बेटा एक ही प्रॉब्लम थी, ब्रैकेट, अगर आपका आपने देखा होगा, अगर हमने जैसे ही ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्वेश्चन सिंपल पे सिंपल होता चला गया, ठीक है। सो रिमेम्बर द मेन प्रोसेस इज हेयर द ब्रैकेट वन, ठीक है, ओके। सो एनी अदर क्वेश्चन, 8 बोला था आपने, 10 बोला था, और एनी अदर क्वेश्चन वॉज देयर? नो मैम, अंडरस्टूड। 12 तो मैंने बता दिया ना आपको, शायद 8, 10, 12, किसी और के मन में कोई क्वेश्चन, 14 भी आप पूछे थे, 14 समझ में आ गया मैम? 14 इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन ओनली, 14 भी बिल्कुल वैसे ही है, बट नाउ व्हाट आई विल टेल यू एवरीबॉडी, दोज हु आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, आपने अभी मेरे समझाए हुए क्वेश्चन देख लिए, बिल्कुल इसी से रिलेटेड आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन विच वॉज नॉट डन बाय राहुल ऑल्सो, प्लीज डू इट दिस क्वेश्चन, लेट अस सी आर यू गेटिंग द आंसर और नॉट, ठीक है, एकदम इसी पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ RS लुकिंग वेरी डिफरेंट, टी माइनस एनसीईआरटी में आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बेटा, लेकिन अगर आप एक बार इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, कितना भी टफ क्वेश्चन आपको RS का उठा के दे देंगे, ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। 1 - 2 t इज इक्वल टू, बस इस क्वेश्चन में ब्रैकेट का ही खेल है सारा का सारा, ब्रैकेट सही ओपन किया आपने तो पूरा आंसर सही आएगा। चलो सॉल्व इट एंड लेट मी नो व्हाट आंसर डू यू गेट इन दिस सिचुएशन, ठीक है। आई एम गिविंग यू, दिस इज 10:11, 4 मिनट्स डू यू हैव, आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज। Do it faster, please.
completed. I got answer from Alok Anand and Rahul. And Anjali Amit also have given the answer, I believe. But I believe this is wrong. Hana? Ankita is having a different answer. And chalo, let's see that how much you are closer to the answer. Ek ek karke, every step you match it. ठीक है, एक एक करके एवरी स्टेप यू मैच इट हाउ मच इट इज करेक्ट. ठीक है, चलो सबसे पहले लेट अस सी टी एज इट इज रहेगा, तो कुछ नहीं करेंगे. ये माइनस है, ये पूरा ब्रैकेट है, पूरा ब्रैकेट खुल जाएगा तो साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे. सो इट विल गिव यू टू टी विच वॉज इन प्लस, तो हो गया माइनस. ये भी प्लस था तो ये हो गया माइनस. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो फिर से ब्रैकेट के बाहर माइनस है और फाइव भी है, तो फाइव भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी. तो 5 वन जा 5, पहले प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस 5, माइनस एंड माइनस विच विल गिव अस प्लस, 5 टू जा 10 और टी का टी. ठीक है, इज इक्वल टू. अब नाउ सेकेंड स्टेप में यहाँ पर देखो 2 थ्री जा 6, अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 फोर जा 8 टी. नाउ दिस माइनस विल गेट मल्टीप्लाई, तो माइनस 3 से टी का तो माइनस 3 टी. माइनस एंड माइनस विल गिव अस प्लस एंड 3 फोर जा 12. ठीक है, दिस इज द स्टेप. यहीं पर रॉन्ग हुआ होगा जिसका भी रॉन्ग हुआ होगा, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में रॉन्ग ज्यादातर नहीं होगा. ठीक है, आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर एक टी है, ये माइनस टू टी है, ये माइनस फाइव है, माइनस फाइव है, टेन टी है, तो एक हो गया ये टेन टी, टेन और एक मिलाकर हो गया इलेवन टी, इलेवन में से दो चला जाएगा तो बचेगा नाइन टी. दिस माइनस फाइव और माइनस फाइव मिलाकर हो जाएगा माइनस टेन. फिर यहाँ पर एक सिक्स टी है और एक ये फाइव एट टी है, सॉरी एट टी है और एक थ्री टी है, तो मिलाकर हो जाएगा फाइव टी. एट में से थ्री जाएगा तो फाइव, और सिक्स और ट्वेल्व मिलाकर हो जाएगा एटीन. आई बिलीव दिस इज ओके. यहाँ तक सही है सभी का. अब आते हैं आगे. Now this is 90 और this is 5t. इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये 90 के पास चला जाएगा 5t. तो ये हो जाएगा 90 माइनस 5t. और यहाँ 18 है, ये इसके पास जाएगा तो ये बन जाएगा 4t. Sorry, plus 10. It will give you 28 and 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4t. Now जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो t यहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा 28 अपॉन में 4. Which will give us value 7. So the answer for this question would be 7. अब जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को ट्राई किया था, गलत सही जैसे भी ट्राई किया था, अगर आपने प्लीज राइट इट डाउन वेयर योर फॉल्ट वॉज. आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर फॉल्ट. इट्स ओके टू हैव मिस्टेक, जस्ट रिप्लाई वेयर योर मिस्टेक वॉज देयर. अनन्या से इज फर्स्ट स्टेप. देखना बहुत सारे लोगों का फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग होगा. माइस करेक्ट. सुप्रिया एंड आलोक आनंद एंड राहुल, थ्री स्टूडेंट्स वर करेक्ट. तीन लोगों का सही था, गुड. और किसका गलत था? स्टार्टिंग पॉइंट देखो, स्टार्टिंग पार्ट ख्याति, स्टार्टिंग पॉइंट अनन्या, स्टार्टिंग पार्ट वॉज ऑल्सो रॉन्ग बाय, एक मिनट और बता देते हैं, अंकिता ऑल्सो. देखा बेटा, यही हमने आपसे बार बार शुरू से ही बोला है कि अगर आपका ब्रैकेट स्टेप रॉन्ग होता है तो याद रखिए आपका आगे का स्टेप रॉन्ग हो जाएगा. अगर आपका ब्रैकेट रॉन्ग होता है तो आपका आगे का स्टेप भी रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो रिमेम्बर दिस पोर्शन. Okay, should we move ahead? Or if you are having any, now what do you think? There should be one more question which should I give you? Or what do you think? Should we move ahead with exercise and last exercise? Ma'am, as you wish. Ma'am, move ahead, please. Ma'am, move ahead. Ma'am, as your wish. Chalo, theek hai. So, I will, yes? Ma'am, give one more question. Beta, more question do you have in RS Agarwal also? Please try from that. Hana? Or if you have any question, you will ask from me. Okay?
I am moving on to the last exercise of your NCERT. RS Agarwal, हम लोग already कर चुके हैं. So we are on the last exercise of your NCERT book. ठीक है. So I believe this is chapter number 4, no? क्योंकि अब दूसरी बुक खोलना पड़ेगा. This is NCERT now, हाँ. Just give me a moment for opening. 4.3 ना? 4.4. 4.4. NCERT 4.4. ठीक है. चलो. Just a minute. Class 7th Mathematics NCERT Simple Equation. Yes. 4.4 we were there. Now question number 1 says you have to form the equations. ठीक है. Set up equations, solve them to find the unknown numbers in each case. Now I will request everyone to please take pencil in your hand. Take pencil in your hand, please, everyone. Yes, after taking up the pencil, I will tell you, note down the equation and just solve it according to you only. आप ही को solve करना है, ठीक है? क्योंकि हम लोग अब पूरा solution सीख चुके हैं. कैसे solution करना है? Easy का, tough का, almost हर type का. अब now we are moving on application based questions, ठीक है? Your first question of exercise says, add 4 to 8 times a number. In a number means which is missing. ठीक है. सो 8 टाइम्स अ नंबर यू हैव टू ऐड 4 यू विल गेट 60. इट मींस द इक्वेशन वुड बी 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60. 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60. नाउ यू सॉल्व एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक द नंबर कुड बी. व्हाट शुड बी द आंसर. व्हाट इज द अननोन नंबर हियर. Solve it faster and tell me what should be the unknown number. Yes, very good. Rest of the student, but everybody has to solve. Good. So here the first answer would be 8x plus 4 is equals to 60. और जब आप उसको solve करोगे, 8x plus 4 is equals to 60. जब आप इसको solve करेंगे, तो it will give you 8x is equals to 60 minus 4, which will give us 56. X की value आ जाएगी 56 upon 8, which will give you 7. It means your answer, your number is 7. Now, 1/5 of a number. 1/5 of a number means 1 upon 5 of x. हम लोग अगर x मान के चले तो you can assume any number, but if I assume x, so it will be 1/5 means 1/5 of x means 1 upon 5x. Minus 4. Minus 4. I have written minus 4. Gives. Gives means equal to. Gives 3. Gives get. We will get, these words will represent the sign of equal. So this will give you this solution. Now it will give us x upon 5. Minus 4 udhar jayega, so it will give you 3 plus 4, which will give you 7. X upon 5 is equals to 7 into 5, which will give you 35. This kind of solutions you have to do in question number 1A, B. Ab third C से लेकर के G तक यू सी वंस योर क्वेश्चन. इफ यू हैव एनसीईआरटी बुक प्लीज सी द क्वेश्चन एंड लेट मी नो विच क्वेश्चन डू यू थिंक आई शुड टेल यू. आप पूरा क्वेश्चन खुद से देखिए सी से लेकर के लास्ट तक. आई हैव टोल्ड यू द पैटर्न आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यू टेल मी विच क्वेश्चन डू यू हैव टू आस्क आउट ऑफ सी से लेकर जी तक क्वेश्चन नंबर 1 में. And if you don't have, that's I will discuss problem. Question number 2. Write it down in the chat box. If have any question, write it down. If don't have any question, that you write it down.
Yes. Okay. So I have not received any query. No doubt. ठीक है, चलो. तो question number one is done. Now moving on to question number two. Question number two says that you have to solve the following again. You have to form the equation and solve it. So question number two के first वाले में हो रहा, the teacher tells the class the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. तो ये आपको याद होगा, last year आपकी exam में इसी type का एक question आया था, ठीक है? Twice the lowest marks plus 7. अब यहाँ पर देखो, हमेशा याद रखो, हम क्वेश्चन को बेटा पीछे से सॉल्व करते हैं. पीछे से सॉल्व करते हैं मतलब देखो, क्वेश्चन नंबर टू के ए में बोल रहा है कि टीचर ने बोला कि हाईएस्ट मार्क्स उनको पता करना है, ठीक है? और हाईएस्ट मार्क्स बता रहा है आपके पास, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? ट्वाइस, ट्वाइस मतलब होता है टू, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7. तो अगर हमें लोवेस्ट मार्क्स पता चल जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा हाईएस्ट मार्क्स भी. तो हम यहाँ पर हमने माना कि हमारे पास जो लोवेस्ट मार्क्स है वो कितना है, m. m क्यों माना मैंने, बिकॉज m फॉर मार्क्स. आई एम जस्ट टेकिंग m. अगर आपको x लेना है तो आप x ले सकते हो, अगर आपका मन कोई और वेरिएबल लेने का है तो आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है? तो हमने यहाँ पे लिख दिया लोवेस्ट मार्क्स इज इक्वल टू m. ये हमने एज्यूम किया है. तो 2m हो गया यहाँ पर प्लस 7, तो इट विल गिव यू 2m प्लस 7, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज टेलिंग योर परमित कहाँ गया, सॉरी, हाँ, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर. ये आ गया, हाईएस्ट स्कोर पहले से पता था आपको, दैट वाज 87. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, व्हिच यू हैव टेकन एज m. 87 माइनस 7 इज इक्वल टू 2m. It will give you 80 is equals to 2m. m की वैल्यू आ जाएगी 80 upon 2, which will give us 40. It means the lowest marks of the class was 40. Is it understood? Any doubt? No, ma'am. Ma'am, I have. Okay. Yes, please tell. बोलिए. Ma'am, could you please explain that 2 into m plus 7? Yes. From there. देखो. पहले आप बेटा सुप्रिया एक बार क्वेश्चन को रीड करो. क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टीचर टेल्स द क्लास द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, मतलब कोई एक बच्चा है जिसका हाईएस्ट मार्क्स जो है वो क्लास में किसी को अगर लोवेस्ट मार्क्स मिला है उसका ट्वाइस प्लस 7 है. मतलब उस जो भी लोवेस्ट मार्क्स क्वेश्चन में दिया हुआ है लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस, ठीक है? तो लोवेस्ट मार्क्स अभी हमको पता ही नहीं है, तो हमने मान लिया कि लोवेस्ट मार्क्स हमारा एम है, ठीक है? हमें लोवेस्ट मार्क्स क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तो हमने लेट्स से इट्स m, सो ट्वाइस ऑफ m मतलब 2 इनटू m हो गया. ट्वाइस ऑफ m मतलब 2 इनटू m होता है, सो इट्स सेकंड 2m. और उसके बाद बोल रहा है प्लस 7, मतलब ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7 है. तो ट्वाइस ऑफ m पहले हमने निकाला, दिस विल बी 2m प्लस 7, तो ट्वाइस ऑफ m प्लस 7. और हाईएस्ट मार्क्स कितना दिया था, 87, दैट इज व्हाई आई टुक इट. इज इट ओके सुप्रिया, और डू यू वांट एनी? Got it. Okay. So now moving on to iska second question dekhte hain. Isosceles triangle hai. The base angle are equal. The vertex angle is 40. Very very easy question. Isme kuch bhi karna nahi hai. Yahan par aapko pata hai isosceles triangle diya hua hai question number 2 mein. Aapne simple sa diagram banaya. Base angle bol raha hai equal hai. To base angle aapne maan liya x hai. Uske baad bol raha hai vertex angle 40 hai. To vertex angle humne le liya 40 degree. बोल रहा है बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस एंगल. कुछ करना ही नहीं है, x प्लस 40, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180. सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 व्हिच विल गिव यू 140. x की वैल्यू आ जाएगी और 70, खत्म, ठीक है? बेस एंगल आ जाएगा 70 डिग्री. नाउ आई विल टेल यू टू प्लीज ट्राई दिस एक्सरसाइज, ठीक है? इस एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, आपको इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करनी है. अगर आपको लगता है कि यू हैव एनी डाउट, टुमारो वी विल हैव अ क्लास, कल इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. और अगर नहीं होता है कोई डाउट तो हम लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? बिकॉज फॉर्मेशन इज ओनली देयर हियर,
So if you have any question, you will ask. If you don't have any question, we will discuss the comet. RS Agarwal, already we did. Should I end the meeting today?